हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टेंसेस, काल। काल मतलब क्या? वर्ब। वर्ब क्यों बोल रहा हूँ मैं, सीधा काल को वर्ब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो क्रिया होती है वो कब हो रही है वो काल ही बता सकता है। मतलब कार्य कब हो, क्या जो क्रिया है वो कब कब हो रही है, किस समय पर हो रही है। काल मतलब टाइम, समय। तो टाइम समय कब होता है कि वर्ब, जब कोई चीज हैपन होता है, हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग, और वो हैपन कब हो रहा है वो डिटेक्ट करता है, डिसाइड करता है कौन? टेंस डिसाइड करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। जिन बच्चों को सेंटेंस नहीं बनाने आता है, टेंस सेंटेंस, टेंस सेंटेंस। तो देखो, जो टेंस का बेटा है वही सेंटेंस है। तो टेंस जो है वो सेंटेंस, टेंस जो है वो सेंटेंस का बाप है, समझ रहे हो? तो सेंटेंस मतलब क्या कि देखो, उसमें आ रहे, मतलब सेंटेंस आप कब बना पाओगे, वेल प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप सेंटेंस कब बना पाओगे, जब आपको पूरा टेंस आएगा, समझ में आ रहा है? तो हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, टेंसेस, सेंटेंस, टेंस। ओके, ऐसा मैनेज करो। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट विथ टेंस। टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब क्या होता है? काल। क्या मैं लिखता हूं? ओके, टेंस। और टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में काल बोलते हैं, टेंस काल। काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। टेंस के भी तीन प्रकार। तो शुरू करते हैं टेंस। फर्स्ट कौन सा है? PRESENT, प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है PAST, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा वाला कौन सा है? FUTURE, फ्यूचरे, मतलब इसको फ्यूचर टेंस क्या बोलते हैं? फ्यूचर, फ्यूचरे नहीं, फ्यूचर टेंस। तो बोलो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। अब ये टेंस के टाइप हो गए। अब अगर देखा जाए तो इसके सब टाइप भी डिवाइड किए गए हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार सब टाइप्स हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। अगर आपको प्रेजेंट टेंस का सब टाइप बोलने आ गया तो आपको तीनों का सेम आ जाएगा, दोनों का, पास्ट और फ्यूचर का। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट का क्या है। तो प्रेजेंट का पहला है PRES, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट भी आप बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी, INDEFINITE, ओके। हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ऐसी सेम पहला वाला पास्ट टेंस का पहला जो रहेगा वो पास्ट सिंपल बोलो या पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलो, ऐसा है। तो पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस एक बार स्पेलिंग बोलो, PRESENT प्रेजेंट, SIMPLE सिंपल, या सिंपल को आप इंडिफिनिट भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PER बोलो, PERFECT, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, चौथा वाला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। अभी वाला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुई है, ओके? तो देख रहे हैं आप लोग, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग होता है वो कंटिन्यूअस का होता है, बच्चे कंटिन्यूअस का नहीं बता पा रहे, तो उसका ट्रिक है ऐसे मेरे साथ दोहराओगे, जिसको कंटिन्यूअस का स्पेलिंग नहीं आता वो बोलो C O N T I N U O U S, C O N T I N U O U S, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के तीन टाइप थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अगेन डिवाइड देखो, अभी बोल रहा है देर आर फोर टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, देर आर कितने, अगर कोई बोलेगा चलो बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, डिवाइड कितने टाइप में हुआ है प्रेजेंट टेंस का, तो बोलोगे देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो कैसे बोलोगे, ऐसे लिख देता हूं मैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने आज देखा कि प्रेजेंट टेंस के चार टाइप हो गए, ऐसे ही सेम सेम टू सेम डिक्टो, आप लोग बोलते ना डिक्टो डिक्टो, वही सेम टू सेम यही है, बस आपको आगे क्या लगा देना है, प्रेजेंट के जगह पे आपको क्या लगा देना पड़ेगा, पास्ट लगा देना पड़ेगा। जैसे देखो बोलो पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट के जगह पे ये समझ लो कि प्रेजेंट जो जो जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वहां वहां अगर पास्ट लिख दिए तो पास्ट के चार सब टाइप हो गए। ऐसे ही जहां जहां पास्ट लिखा था वहां वहां आपने फ्यूचर राइट कर दिया तो वो हो जाएगा फ्यूचर का पूरा चार टाइप। ओके, तो ये हो गया हमारा सबके टाइप, मतलब टेंस क्या होता है और उसके सब टाइप्स कितने होते हैं। ओके, ये समझ में आया हम लोग को। तो मैं एक बार और ये भी बता देता हूँ कैसे इसको समझोगे। हाँ, यहाँ पे जैसे हो गया है तो प्रेजेंट के जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ने प्रेजेंट का देखा ना, अब हम सब पास्ट का बताएंगे, मतलब पास्ट का कर देंगे इसे सेम, तो जगह पे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको मिटा के नहीं लिखना है, आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो हमने प्रेजेंट का देख लिया, तो प्रेजेंट का आपने लिख दिया है, अब ऐसा ही सेम पास्ट का हो गया, किसका हो गया समझ लो, ये पास्ट का सेम ऐसे ही है, फिर रब करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, पास्ट का देखते हैं, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ऐसा मार्क कर देता हूँ कि ये कहाँ से आया है, पास्ट से आया है, पास्ट का बता रहा है आप। अब पास्ट के चलो हाउ मेनी टाइप ऑफ पास्ट टेंस, तो बोलोगे देयर आर अगेन फोर टाइप ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट एंड फर्दर डिवाइड, पास्ट एंड फर्दर मतलब आगे फिर से डिवाइड हुआ है चार टाइप में। तो ऐसे लिखोगे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हम लोग को पहला वाला हटा देना है और वो पूरा छाप देना है, ऐसा वाला सीन है, छापने वाला, कॉपी कैट वाला, मतलब कॉपी नहीं कर रहे हो, आपने एक में बहुत मेहनत किया उसके बाद आपको सब आ गया ऐसा। तो स्पेलिंग आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सिंपल का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और टेंस का। ये अगर इतने लोग का स्पेलिंग याद कर लिए तो आपको सबका आ जाएगा। इंडिफिनिट का स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत लोग पूछते हैं इंडिफिनिट का। ओके, तो अब ये हो गया प्रेजेंट टेंस का, आपको समझ में आ गया चार हो गए, पास के हो गए। अब ऐसे ही सेम फ्यूचर का भी है, तो मैं मिटा के लिखूंगा जिससे आप, अब ये आप लिख लो प्रेजेंट का लिख लिए, पास का लिख लो, अब फ्यूचर का जब मैं मिटाऊंगा तो उसको नीचे लिखूंगा उसको। ओके, तो इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इरेज करना मतलब मिटाना, तो आई इरेज इट। ओके, तो अब ये कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये फ्यूचर में, कहाँ जाएगा ये फ्यूचर में जा रहा है, ये साफ इरेज हो रहा है। ओके, फ्यूचर में हम लोग देख रहे हैं अभी कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, फ्यूचर में, हम लोग का प्रेजेंट हो गया, अब हम लोग फ्यूचर अपना देखेंगे, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर हमारा देखते हैं। तो ये जाएगा, मिल जाएगा कहाँ पे मिल जाएगा, ये फ्यूचर वाला, मतलब मैं किसका सब टाइप बता रहा हूँ, अब फ्यूचर टेंस का सब टाइप बता रहा हूँ, किसका सब टाइप बता रहा हूँ, फ्यूचर। अब सेम ही आगे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस फ्यूचर, परफेक्ट टेंस इंग्लिश। अब बहुत लोग इसको फ्यूचरे फ्यूचरे बोल रहे हैं, फ्यूचरे 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 नहीं है, फ्यूचर है। मतलब अब इसका हिंदी भी जान लो। तो आपने देखा टेंस मतलब तो काल होता है, टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है। तो काल के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, मतलब जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो ऐसा वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। द टाइम विच इज गोइंग ऑन मतलब टूडे, टूडे को बोलते हैं, जो आज है, जो टूडे है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब क्या, जो बीत गया है, मतलब इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। जो बीत गया उसे बोलते हैं भूतकाल, जो चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल, और जो आने वाला है उसको बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल, जो आने वाला है उसको बोलते हैं भविष्यकाल। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे टेंस के टाइप्स बताए गए हैं, और उसके बाद सब उसके सब टाइप बताए गए हैं। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इसका। जब आपने प्रेजेंट सबके बारे में पढ़ लिया, तो आगे क्या पढ़ने का इरादा है, पहला कौन सा हम लोग का टॉपिक आना चाहिए, बोलो। ये वाला ना, ये तो फ्यूचर है, लास्ट में आएगा ना। पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पे पास्ट था, पास्ट के उसके बाद क्या था, प्रेजेंट था। तो वही, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने के लिए तैयार हो आप लोग, यू आर रेडी? तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस का पहला जो है, पहला वाला वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा इसको थोड़ा हम लोग को। तो वेलकम बैक, चलो स्टार्ट करते हैं। तब हम लोग अपना क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस किसका पार्ट है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। ना प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये सब का हम लोग को ना, कोई भी चीज होता है तो उसका एक पहचान होता है कि हाँ वो चीज वो है। जैसे मेरा पहचान है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ माई सेल्फ, माई नेम मतलब मेरा एक नाम है शिवा, ऐसा कुछ, शिवा शिवा मेरा नाम है। ऐसे ही किसी भी चीज का एक अपना एक नाम होता है, पहचान होता है। ऐसे ही सभी टेंस के अपना अपना एक पहचान है, सभी टेंस के, मतलब जितने भी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप उसको पहचान पाओगे सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस में भी और हिंदी के सेंटेंस में भी, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन सा टेंस है। हाँ, जैसे अभी ये है हमारा पहला, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, कोई भी चीज लिख दिया किसी ने, जैसे मैंने लिख दिया राम बाजार जाता है, वह खाना खा रहा है, हम गांव जाने जाते हैं। राम बाजार जा रहा है, वह खाना खाता है। तो देखो, राम बाजार जा रहा है और वह खाना खाता है, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस है, एक में रहा है और एक में ता है और रहा है, चेंज दिख रहा है ना। तो वही जो ता है मिला है ना, वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो रहा है वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी भी टेंस का पहचान करने के लिए हिंदी में क्या होना चाहिए, हिंदी वाले में, हिंदी सेंटेंस में उसके लास्ट के लाइन में विश्वास किया जाता है, मतलब आइडेंटिफाई का वो इंडिकेटर होता है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई, जैसे इंडिकेटर सुने वो पीएच वाला, उसमें एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल बताता है, ऐसे ये बताएंगे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट जो दो वर्ड होंगे, जैसे कोई रहा है रहता है, कोई जाता है जाती थी था थी गा हो जाएगा, ऐसा सब चीज। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान देख लेते हैं। ओके, और मैं एक बात आपको फिर एक बात और बताऊंगा,
अब मतलब आने वाले वीडियो में कि कैसे, आपने सुना होगा कि ये अपना हिंदी में जो है कि आपको तीन टेंस होते हैं और तीन टेंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन उसके सब टाइप ना अलग अलग होते हैं। आपको ये पता समझना हो तो ये समझ लो कि देखो हिंदी में जो सब टाइप होता है ना वो खाली सबका तीन तीन होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका देखो अभी आपने देखा था चार चार था। जैसे प्रेजेंट, जब आप प्रेजेंट टेंस देखे थे तो उसके चार सब टाइप थे ना, कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ये तो है, बट उसके बाद आप हिंदी में क्यों क्यों हिंदी में क्यों केवल तीन ही होता है? आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के चार टाइप थे, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के चार टाइप है। वही चीज अगर हिंदी में देखने जाओगे वर्तमान काल का, वही सेम वर्तमान काल का केवल तीन ही टाइप मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? फैक्ट है ये। इस चैनल का नाम फैक्ट्रिक है, ओके। तो क्या फैक्ट है इसके पीछे, मतलब क्यों ऐसा, क्यों उसमें हिंदी में तीन है इंग्लिश में चार है, ओके। तो इसको भी बताऊंगा, अभी ऐसे ही रफली बता देता हूँ, बाद में इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे ही रफली बताता हूँ क्यों इंग्लिश में चार, ऐसा आप किसी पूछ भी सकते हो कि इंग्लिश में देयर व्हाई इन इंग्लिश देयर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ टेंस, सबके फोर टाइप्स होते हैं, एंड इन हिंदी देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस इन सब टाइप जो होते हैं उसके, ओके। तो मैं बता रहा हूँ, देखो हिंदी में क्या होता है कि कौन कौन सा होता है हिंदी में, जैसे इसका अगर देखेंगे वर्तमान काल का हिंदी में सब टाइप कितना होगा, तो पहला होगा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल ऐसा होगा। तो ये तो सामान्य वर्तमान काल मतलब क्या, कोई भी चीज सामान्य, जैसे वह खाना खाता है, वह बाजार जाता है, बस यही होगा उसमें। तो सामान्य वर्तमान काल में केवल जाता है, खाना खाता है, वो सब हो गया। लेकिन अभी इसमें वाले में अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में मतलब क्या, वो चीज पूरा नहीं हुआ है, वो चीज पूरा नहीं हुआ है, वह बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, मतलब रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो दो आपको समझा कि मैं हिंदी वाला बता रहा हूँ, अभी इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझ लो इसको कि वर्तमान काल के केवल तीन ही प्रकार होते हैं, लेकिन क्योंकि मतलब इसमें प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में केवल चार क्यों होते, बताया मैं कि वर्तमान काल में तीन क्यों होते, पहले वाला था सामान्य वर्तमान काल, सामान्य मतलब कोई भी चीज सामान्य चल रहा है बस, जैसे वह खाना खाता है, वह जाता है, ये सामान्य हो गया। अब वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या, वो चीज पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण इनकम्प्लीट है, जैसे वह बाजार जा रहा है अभी पहुंचा नहीं है, तो दूसरा हो गया। तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अब लास्ट में आ रहा है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब पूरा हो गया, जैसे वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, हम घर से आ चुके हैं, तो चीज पूरा हो गया। तो इसीलिए इसमें केवल तीन ही होता है, कितना होता है, केवल तीन ही होता है टाइप होता है हिंदी में, और इंग्लिश में देख लो अब वही यही बात आ गई, इंग्लिश में चार क्यों होता है, व्हाई, बिकॉज इंग्लिश में चार क्यों होता है, क्योंकि आपने जो देखा ये वाला इसमें हिंदी वाले में लास्ट में आपने देखा कि वह खाना अगर चुका है बोलोगे, वह सुबह से खाना खा चुका है, या वह रात से क्रिकेट खेल रहा है, या देखो अब यही जो रहा रही है ना, सुबह शाम टाइम आ गया है, किसमें वाले में, हिंदी वाले में टाइम आ गया, तो इसमें हिंदी का जो टाइम आ गया, लेकिन टाइम तो बट रहा रही तो है अपूर्ण काल है ना, वो रहा है रही है सामान्य अपूर्ण काल है, ओके, वर्तमान अपूर्ण काल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सामान्य अपूर्ण काल। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको मिल रहा है कि वो रहा रही है, आ रहा है, बट टाइम दिया है। और इंग्लिश में फार्मूला अलग लगाना पड़ता है, ये राज है, क्या है फार्मूला, कि इंग्लिश में आपको उसका फार्मूला अलग लगाना पड़ता है, इसीलिए इंग्लिश में चार टेंस है। जैसे राम खाना खा रहा है बोलो, चाहे राम खाना खा रहा है बोलो, चाहे राम सुबह से खाना खा रहा है बोलो, उसका रहा रही आ रहा है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ रहा रही लास्ट में है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर वो टाइम दे दिया तो उसको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। बाय दिस रीजन इंग्लिश हैव फोर सब टाइप ऑफ टेंस, क्यों, किस वजह से, रीजन ऑफ फॉर्मूला, उसको अलग फॉर्मूला, टाइम आ गया है, रीजन क्या है, टाइम आ गया, फॉर्मूला अलग करना पड़ेगा, ये समझ लो
कि इंग्लिश में चार टेंस हुए हैं, क्यों? क्योंकि टाइम आ गया है। क्या टाइम आया है? किस में टाइम आया है? रहा रही वाले में। जैसे वह बाजार जा रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नया बना। क्यों नया? मतलब वो क्यों इवॉल्व हुआ, वो क्यों नया हो गया, क्यों चार बना? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो था उसमें टाइम दे दिया था। तो जब इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंग्लिश में अगर टाइम देता है तो सिंस या फॉर लगाया, क्या लगाया है? सिंस या फॉर। बाय दिस रीजन वी हैव फोर टाइप्स ऑफ इंग्लिश इन द टेंस एंड थ्री टाइप्स ऑफ हिंदी इन द टेंस। काल तीन होते हैं हिंदी में, इसीलिए काल के तीन प्रकार होते हैं और इंग्लिश में चार प्रकार होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक था कि हम लोग को इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म, लेकिन वीडियो तो बहुत लंबा चले जाएगा, 1 आवर का शायद हो जाए, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ओके, डीपली पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से। तो आज ये वाला टॉपिक जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट मैंने बोला था, इसका मैंने पहचान बताया था। तो इसका पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। तो इसका पहचान है, पहचान इसका क्या है? पहचान जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द दिया हो, तो ता है ती है ते है और मेन वर्ब, यहाँ पे यम भी लिखता हूँ, मेन वर्ब भी दिया हो तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये समझ लो कोई भी हिंदी का वाक्य रहेगा, अगर उसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, तो समझ लेना कि वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे वह घर जाता है, वह खाना खाता है, वह बाजार जाती है, हाँ, हम ताजमहल देखने जाते हैं, तो बार बार ता है, ती है, ते है लास्ट में हिंदी के आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ जा रहे हो कि क्या है वो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बस सिंपल सा है। लेकिन एक बात और, अगर आपसे कोई पूछ लिया, चलो बताओ वह तोता है, इसमें भी वह तोता है, अब ये बताओ कौन सा टेंस है ये? अब वह तोता है कौन सा टेंस होगा? इसमें भी तोता है, ती है, आ रहा है, तो सब लोग बोलेंगे सर ये प्रेजेंट। जिसको पता होगा वो नहीं बोलेगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो ये समझ के बोलेगा कि लास्ट में तो ता है, ती है, इसमें भी आ रहा है, वह तोता है, हाँ ता है, आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन भैया यू आर रॉन्ग, प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होगा, ये तो है दिस और दैट का यूज है। क्या है ये दिस और दैट का? जैसे यह तोता है, चाहे वह तोता, जो भी, अगर यह बोलेंगे तो दिस इज अ पैरट, अगर वह बोलेंगे तो दैट इज अ पैरट, तो यह हो जाएगा। लेकिन जब अब यह समझ आएगा, कोई बोलेगा वह तोता है तो दिस इज नॉट, दिस इज मतलब ये कोई भी टेंस नहीं है, ये कोई भी टेंस किसी प्रकार का टेंस नहीं है, ये यूज ऑफ दिस और दैट है। ओके, तो आप बजना मत, इसलिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसमें क्या नहीं था, मेन वर्ब नहीं था। क्या नहीं था? मेन वर्ब नहीं था, जो मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नहीं पढ़ाया था मैंने नाउन प्रोनाउन वर्ब एड वर्ब, वही उसमें वर्ब नहीं था। यहाँ पे टेंस में ना मेन वर्ब को मेन वर्ब बोल देते हैं, टेंस वही वर्ब वही रहता है, बस टेंस में बोलने का तरीका हो जाता है भैया मेन वर्ब बोलो, क्या बोलो? मेन वर्ब, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा अब टेंस पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा बदलाव करो, उसमें मेन वर्ब बोलो उसको, तो इसलिए उसको मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे प्ले, हाँ, कूक, फ्लाई, जंप, और क्या बोल सकते हैं, राइट, ये सब आपने वर्ब है। तो ये हो गया आपका पहचान, क्या हो गया आपका, ये पहचान हो गया। तो पहचान के बाद आपने ये देखा कि जब हिंदी वाक्य, अब उसमें क्या था, वह तोता है में क्या था, उसमें कोई भी वर्ब नहीं दिया गया था, फॉर दिस रीजन इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ टेंस, इट इज ओनली दिस और दैट का यूज है ओनली वो। अब देखो पहचान पहला हो गया, अब क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या होगा इसका? पहचान तो हो गया, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? चलो बोलो, सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला किसका, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का, प्लूरल प्लूरल नंबर का फॉर्मूला हो गया। और ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर का फॉर्मूला, सिंगुलर नंबर का फॉर्मूला। तो आपको पता है सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर मतलब जैसे वह मैं नहीं होगा, वह होगा जैसे ही सी इट एनी नेम, ही सी इट बॉय एनी नेम। ही सी इट मतलब क्या, ही मतलब वह, सी मतलब वह यूज होता है गर्ल्स के लिए, ही यूज होता है बॉयज के लिए। तो ही सी इट एनी नेम जो होता है वो होता है आपका सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है, आई बी यू दे, आई बी यू दे, आई बी यू दे याद कर लो, आई बी यू दे और बॉयज, कोई भी सिंगुलर लास्ट में यस रहेगा, बॉयज याद कर लो, कोई भी बॉयज गर्ल्स रहेगा और आई बी यू दे क्या याद कर लोगे, आई बी यू दे प्लूरल्स, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो तो मैं आप लिखवा देता हूँ, सिंगुलर का क्या क्या है, ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, ही सी इट मतलब निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, किसके लिए यूज होता है, इट नॉन लिविंग, और एनी नेम कोई भी नाम, एनी नेम मतलब कोई भी नाम। तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एनी नेम कोई भी नाम क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल प्लूरल क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं, बी मतलब हम, आई बी यू मतलब तुम, आई बी यू दे मतलब वे, दे मतलब वे, आई बी यू दे, आई बी यू दे और बॉयज गर्ल्स आएगा तो वो भी आपका, आपको पता ही है बॉयज गर्ल्स आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर। तो ये फॉर्मूला, अब आपको ये समझा सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में क्या लिए, कैसे आपको सेंटेंस आएगा, अब ये समझो सेंटेंस वही आएगा क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला पता ही है, पहचान पता ही है कि ता है ती है ते है आता है। तो ऐसा ही सेंटेंस आपको आएगा कि वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है। सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं जैसे निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ, और ये अपना इंपरेटिव सेंटेंस, वर्बल टाइप, डब्ल्यूएच टाइप। तो ये सब बहुत सारे सेंटेंस है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में ओनली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी क्रिएट सेंटेंस, हाउ वी क्रिएट प्रॉपर सेंटेंस। इसे बोलते ना कि आप जैसे देखो आप लोग कोई कोई एप्लीकेशन लिख के जाते हो और सर लोग बोलते हैं सब सेंटेंस सही है बाबू तुम्हारा, खाली ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली इरर्स है, ग्रामेटिकली इरर्स। ग्रामेटिकली मतलब क्या, ग्रामर, ग्रामर से जो रिलेटेड है हेल्पिंग वर्ब ये सब आपका थोड़ा रॉन्ग है और आपका सब सही है। आपका वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या थर्ड फॉर्म लगाना है वो सब आपका थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है। मतलब क्या, आप लोग ग्रामेटिकली इरर नहीं करोगे जब आप टेंस पढ़ोगे, टेंस और भी चीजें हैं तो आप ये पढ़ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो अब ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया है, अब इसको लगाना है। तो समझ लो पहला है आपका, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस देता हूं मैं उसको बनाना पड़ेगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हम लोग लेके चल रहे हैं, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाला, अफर्मेटिव नकारात्मक नहीं सकारात्मक, पॉजिटिव, कोरोना चल रहा है पॉजिटिव नहीं होना है, अफर्मेटिव सकारात्मक सोचना है लेकिन पॉजिटिव नहीं होना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पहला आपका मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको बनाना पड़ेगा वाक्य। जैसे वह घर जाता है, अब देखो ये केवल हिंदी में ही पॉसिबल है, हिंदी वाले में, अगर आप मराठी में देखोगे तो नहीं हो पाएगा। और भोजपुरी में तो, भोजपुरी में क्या होगा, वह घर जाता है का वो घरे जा था, वो घरे जा था, अब वो घरे जा था तो उसका तो बना ही नहीं पाओगे, इसीलिए बार बार हम लोग किसमें पढ़ना पड़ता है, किसमें पढ़ना पड़ता है, हिंदी में। ये तभी ये देखो यहाँ पे लिखा है जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में आएगा, वैसे कुछ भी नहीं कि भोजपुरी में बोलोगे वो हमें क्या बोलोगे, हम ओकरे साथे बाजारे गए रहे, हम ओकरे साथे बाजारे घर रहे, तब बाजारे घर रहे तो ओकर थोड़ी बन पाई कोनो टेंस ना। तो समझ में तो का आवत है भैया, देखा अब वह घर जाता है, वह घर जाता है, अभी एक तो का बनावे खाओ टेंस बनाना है इसका ना। तो स्टार्ट करा तो पहले देखो, अब सब वह घर जाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट क्या है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जाना, जाना खाना आना उठना बैठना, तो देखो ये ता है ना, ता है आया है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट जाना आना आपका मेन वर्ब हो गया। इसमें मैं वर्ब को क्या बोलता हूँ, मैं बताया था इसमें वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं,
तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिल गया, जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो बचा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब फॉर्मूले पर रख दो, आपका फॉर्मूला आपके सामने है, इसी पर रख दो, तो क्या बोलोगे, पहले सब्जेक्ट लिख दो, वह का क्या होगा, वह का ही होगा, तो ही के बाद ये अच्छा था, सिंगुलर की प्लेस सिंगुलर का फॉर्म लगेगा, तो सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब में यस या यस लगाना है, और यस या यस लगाने के नियम अभी मैं नहीं बताया हूँ, तो इसको पढ़ने के बाद मैं यस या यस कब लगाते हैं वो बताऊंगा। तो ही, अब यहाँ पे जाना है तो गो, ही गो, ही गोस टू द, मतलब टू द बोलते, ही गोस टू द होम, ही गो टू द होम, या गो टू द होम, ही गो टू द होम, ही गोस टू द होम। अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई कि सर आपने यहाँ पे ईएस क्यों लगाया, आपने यहाँ पे क्या लगाया, ईएस, क्यों आपने यस नहीं लगाया, ऐसा क्या हो गया, आपने बोला था कि यस या यस कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम लोग कैसे माने कि यस लगना है कि यस लगाना है। तो हाँ भैया, उसका भी एक रूल है, फॉर्मूला है, मतलब उसका भी कुछ नियम कायदा है, तो यहाँ पे नियम देख लेते हैं, किसका नियम, यस या यस लगाने के नियम, यस या यस लगाओ लगाने के रूल नियम, क्या नियम है, कब हम लोग यस लगाएंगे, कब हम लोग यस लगाएंगे। अब देख लो, किसी भी मेन वर्ब में, किसी भी मेन वर्ब का लास्ट लेटर, किसी मेन वर्ब का लास्ट लेटर अगर यस, मैं लिखवा देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, नोट डाउन कर लेना, ओके, नोट डाउन कर लेना। देखो मेन वर्ब का, किसी भी मेन वर्ब का लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, किसी भी मेन वर्ब का लास्ट वर्ड, ओपन ना डोर, ओपन ना, किसी मेन वर्ब का लास्ट वर्ड, यस, ओपन ओपन, यस, डबल यस, सी एच, सी डबल एच, एक्स, ओ, जैसे देखो अभी मैंने बताया, किसी भी मेन वर्ब का लास्ट वर्ड है, मेन वर्ब का लास्ट वर्ड, यस, यस एच, सी एच, सी डबल एच, एक्स, ओ, अगर ये सबसे इंड होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, यस, जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने लगाया है, जब जियो आया था तो मैंने ईएस लगाया, क्या लगा दिया, ईएस, तो मतलब मेन वर्ब का लास्ट वर्ड ओ था तो मैंने ईएस लगाया है। ऐसे ही अगर आ गया आपका टीच, वह पढ़ा, जैसे मोहन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है, तो मोहन टीच लिख दोगे, क्योंकि टी ई एस सी एच ना, तो लास्ट में सी एच आया है, तो यस, यस यस, सी एस, सी डबल एच, एक्स, ओ, और कुछ था क्या, यस एच भी होगा, यस एच, तो ये सब चीजें हैं, तो आप लगा दोगे यहाँ पे यस लगा दोगे। अब बाकी जो बचता है उसके साथ यस लगा दोगे, बाकी जो बचता है उसके साथ क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी जो बचता है उसके साथ यस, जो बचा उसके साथ यस लगा देना। जैसे क्या, किसके साथ यस लगाओगे, जैसे वह खाना बनाता है तो मेक ना, हाँ, तो मेक में लगा दोगे यस, ही मेक्स फूड, ऐसा। तो ये समझ रहे आप लोग की यस या यस कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं यस या यस। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि हम लोग का, देखो सबसे पहले केवल इसी में डिफिकल्टी होती है, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आप समझ गए ना, और सबका रूल एक नंबर, मतलब एकदम वो है, और सबका रूल एकदम अच्छा है, मतलब बोल सकते हो कि और सब बहुत ईजी है अगर आप ये समझ गए तो, ओके। तो ये हो गया हमारा यस या यस लगाने के रूल, ये सब हो गए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बहुत सारे ये देखने वाले हैं कि ये अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत सारा सेंटेंस देखने वाले हैं, कैसे का, कौन कौन सेंटेंस, निगेटिव में क्या करोगे, अफर्मेटिव में क्या करोगे, ये सब चीजें। तो इसको थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके आपको अभी बताते हैं, ओके। तो गाइस शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा बोला था कि हम लोग अभी तुरंत प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी जो सेंटेंस है अफर्मेटिव निगेटिव वो देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, हम लोग क्या आज हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, चलो प्रेजेंट सिंपल टेंस दिखने लग गया, ओके। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस समझ लो, सिंपल टेंस, बारह प्रेजेंट मतलब वही प्रेजेंट ही तो पढ़ रहे हो, तो सिंपल टेंस ओनली बोल सकते हो तो चमक रहा होगा। तो मैंने लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम लोग, आप लोग भी लिख दो प्रेजेंट सिंपल टेंस, लाइटिंग हो रहा है वहां पे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करते हैं, तो पहला में पहचान होता है, पहचान हो गया हम लोग का, फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव को आप निगेटिव क्या, देखो
पहले हम लोग देख लेते हैं निगेटिव का फॉर्मूला, उसके बाद सब बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, वो था आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अफर्मेटिव के सिंगुलर प्लूरल का दोनों का लिखा था। सिंगुलर में क्या लगाना है, मतलब ये जान लो कि आपको प्लूरल में सिंगुलर में यस या यस लगाना है। सिंगुलर में मेन वर्ब के साथ यस या यस लगाना है, बट प्लूरल में यस या यस नहीं लगाना है। अब अगर आपको कोई पूछ लिया व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो क्या होता है जब उसमें यस या यस लग रहा है, तो वही डू या डज होता है। क्या होता है आपका, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। इसीलिए जब उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी के हेल्प से हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। अब ये समझ गए होंगे आप, डू या डज नॉट ऐसा टी लिखते हैं, प्लस सेम है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये समझ लो, ये है अपना निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, तो इसको कैसे मतलब मैनेज करेंगे, कैसे इसको सेंटेंस क्रिएट करना है। ऐसे आ रहा है कि मैं गांव नहीं जाता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको अब देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट है, तो मैं क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, रुक जाइए चल नहीं रहा है बात है, ब्लैक वाला रेड से लिखता हूँ, सब्जेक्ट हो गया। और डू या डज तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज नॉट, तो देख लो इसमें आपको नॉट लगाना है, बट हेल्पिंग वर्ब किसका लोगे, डू या डज लोगे, और नहीं तो डू या डज होगा, ता है, ता है, क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस, हाँ थोड़ा रॉन्ग है, सब्जेक्ट ही डज नॉट गो टू, मेन वर्ब आएगा, हाँ यहाँ पे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब तो लिखा है नहीं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब आएगा आपका फॉर्मूला, एक बार फिर से चेक कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, अब ये बच गया आपका गांव, गांव हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं तो आपको पता ही है। तो कैसे इसको लिखोगे, जैसे इसका फॉर्मूला पढ़े हुए, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, अब देखो ये जान लो कि डू नॉट है, डू नॉट, डू किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ डू लगाओगे, और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाओगे। तो आई क्या है, मैंने बताया था आई बी यू दे, क्या मैंने बताया था आई बी यू दे क्या है, आई बी यू दे क्या है, सब आई बी यू दे आपका है प्लूरल है, और ही सीट एनी नेम क्या है, सिंगुलर है। तो देखो, तो आई आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट गो टू विलेज, आई डू नॉट गो टू विलेज। अब ये ध्यान दो, आप उसमें उस वाले में आप सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे ही लगाते थे, बट नेगेटिव में आपको सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे ही नहीं लगाना है। ये बात ध्यान रखना कि आपको नेगेटिव में ना, नेगेटिव में यस या यस किसी के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो बन के आया है पहले से ही, तो वहां पे आपको नेगेटिव में यस या यस कोई भी चीज नहीं लगाना है। तो मैं गांव नहीं जाता हूँ, ये हो गया। आप दूसरा कुछ भी, मैं गांव नहीं जाता हूँ, वह वे लिखता हूँ, प्लूरल का देखता हूँ, सिंगल का हो गया, सिंगुलर का, प्लूरल का हो गया ना, अब सिंगुलर का, वह बाजार, बाजार से, वह बाजार से सब्जी, वह बाजार से, वह बाजार से सब्जी नहीं खरीदता है, खरीदता है। तो ये बात बार बार ता है आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, तभी वो आपका माना जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब ये इसका क्या होगा भैया, कि वह बाजार से सब्जी नहीं खरीदता है, तो ही डज नॉट कि डू नॉट, डज नॉट रहेगा कि डू नॉट रहेगा, ही डज नॉट क्या रहेगा, ही डज नॉट, मैंने पहले बताया कि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ डू नॉट, तो ही डज नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये सब, डू डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, खरीदना ना, खरीदता, तो ही डज नॉट बाय, बी यू आई बाय,
तो इसमें यस यस कुछ भी नहीं लगाना है। सिंगुलर में मतलब सब निगेटिव जब आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव आता है, तो उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है, केवल केवल आपको अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाले में आपको लगाना है। नकारात्मक में आपको यस या यस नहीं लगाना है, केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ही डज नॉट बाय वेजिटेबल, ही डज नॉट बाय वेजिटेबल बाजार से, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, ये समझ लो किसी मार्केट, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अब सोचो कि बार बार सर आप द लगा रहे हो, हाँ द जो है वो सेंटेंस में लगता है, द सेंटेंस में कभी लगाते हैं हम लोग, हाँ। तो ही डज नॉट बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, तो ये आपका हो गया निगेटिव वाला। अफर्मेटिव वाला मैंने एक ही बताया था, तो अफर्मेटिव का भी मैं एक बता देता हूँ आपको, हाँ। अफर्मेटिव क्या है, जैसे आप देख लो यहाँ पे अफर्मेटिव का, जैसे मैंने ये निगेटिव बताया है, ऐसी होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, डब्ल्यू एच टाइप प्लस वर्बल होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, उसका अलग अलग रूल है, उसमें ना डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है आगे आ जाता है, जैसे वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाय, उसके आगे डब्ल्यू एच टाइप पहले वर्ड आगे आ जाएगा, जैसे वह खाना नहीं नहीं वह घूमने कहाँ जाता है, तो वह घूमने कहाँ जाता है ना रहेगा ना, तो जो कहाँ रहेगा वेयर आ जाएगा, वेयर जो है वो आगे आ जाएगा, वेयर वेयर, अब वह है तो वह है, तो वेयर डज ही, वेयर डज ही गो टू फॉर वॉकिंग, ऐसा कुछ घूमने उमने। तो ऐसा ये समझ लो कि आप लोग आज इसमें देख रहे हो अफर्मेटिव और निगेटिव, और डब्ल्यू एच टाइप भी मैंने बता दिया इजी है, और वर्बल में जो है, वर्बल मतलब क्या, क्या वह खाना खाता है, तो आप देखो आपको समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये समझ लो सेंटेंस स्टार्टिंग समझो, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब एकदम सिंपल, जैसे वह बाजार नहीं जाता, अफर्मेटिव मतलब वह खाना खाता है, हम बाजार जाते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं, सूरज गाना गाता है, सूरज गाना गाता है, तो सब सिंपल हो गया, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव जो रहता है, उसमें सिंगुलर में हम लोग यस या यस लगाते हैं, और प्लूरल में यस या यस नहीं लगाते हैं, ये बात समझ लो। और यस या यस लगाने का क्या रूल है वो भी मैंने बता दिया है। तो पहला हो गया अफर्मेटिव। अब आता है निगेटिव, निगेटिव में क्या करते हैं भैया, निगेटिव में क्या करते हैं ये सुन लो, निगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, क्या हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, डू या डस, क्या हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, डू या डस। तो ये जान लो कि डू कब लगाते हैं, डस कब लगाते हैं, डू कब लगाते हैं, जब आपका आता है प्लूरल नंबर तो डू लगाते हैं, जैसे वे बाजार नहीं जाते हैं तो क्या लिखोगे, दे डू नॉट गो टू मार्केट, सिंपल दे डू नॉट लगा दिए। अब आई बी यू दे रट लो एकदम, बता रहा हूँ कभी से, आई बी यू दे सब ये क्या है, आई बी यू दे सब क्या है आपका प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन है, और सिंगुलर एक वचन क्या है, ही सीट एनी नेम कोई भी नाम, ही सीट कोई भी नाम, ये क्या आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर। तो ये समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका निगेटिव वाला, तो ये हो गया आपका निगेटिव। निगेटिव मैंने क्या बताया, ही डज नॉट वाला बताया ना, अभी मैं प्लूरल बता देता हूँ, जैसे वे खाना खाते हैं, या वे खाना खाते हैं, तो वे खाना खाते क्या हो जाएगा, दे वे खाना नहीं खाते, सॉरी क्योंकि ये निगेटिव बता रहा था, वे खाना नहीं खाते हैं, तो दे डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ईट द फूड, तो ये हो गया निगेटिव। तो अफर्मेटिव निगेटिव, अब आ रहा है आपका डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप मतलब क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या लगा देना होगा आपको, डब्ल्यू एच टाइप में क्वेश्चन मार्क, जैसे वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है, तो why does he go to market, तो ये सब चीजें। तो मुझे लगता है जहां तक आपको अफर्मेटिव, हाँ अफर्मेटिव निगेटिव और डब्ल्यू एच टाइप, अब आ रहा है वर्बल, वर्बल वाला क्या होता है, अब वर्बल मैं डब्ल्यू एच टाइप नॉट भी बोल रहा हूँ क्यों, और वर्बल प्लस नॉट बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, जैसे वह बाजार क्यों नहीं जाता, अगर नहीं आ गया ना तो उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप प्लस नॉट, अगर क्या वह खाना खाता है तो ये हो गया वर्बल ओनली, वर्बल मतलब ये जान लो वर्बल में क्या पहले आएगा, वर्बल में क्या पहले आएगा, जब वर्बल में क्या पहले आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही लगेगा, जैसे क्या वह बाजार जाता है तो डज ही गो टू मार्केट, तो ये आपको वर्बल हो गया, अगर क्या वह बाजार नहीं जाता है तो ये वर्बल प्लस नॉट हो जाएगा, तो इसको कैसे बताओगे, डज ही नॉट गो टू, ऐसा जैसा जैसे सॉन्ग लग रहा है, Does he not go to market? ऐसा कुछ ना, तो ये समझ में आ रहा है आपको,
तो अब मैं चार बता दिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, हाँ, और क्या, डब्ल्यू एच टाइप प्लस नॉट, डब्ल्यू एच टाइप, वर्बल, वर्बल प्लस नॉट। तो डब्ल्यू एच टाइप में पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब डब्ल्यू एच टाइप के एग्जांपल हैं। तो मैं कुछ आपको थोड़ा ये कुछ दे देता हूँ होमवर्क यहाँ पे, मतलब लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताना मुझे, दिखाना, ओके, दिखाओगे कमेंट में, एकाध दो कर देना, पूरा तो सॉल्व कोई नहीं करता है, कमेंट में आप दो तीन कर देना, दो तीन मैं बताता हूँ और उसके बाद आपको दो तीन कर देना ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं थोड़ा, तो इरेज कर लिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी क्वेश्चन आंसर है। तो पहला आपको दिया जा रहा है, सभी टाइप्स के मिलेंगे, सभी सेंटेंस के दूंगा मैं, इसको आपको करना पड़ेगा। जैसे वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, इसका कराओ। दूसरा बताओ, वह तोता है, ये भी एक टेंस है, ये भी करो। लास्ट में ता है, आ रहा है ना, ता है, आ रहा है, बताओ। तीसरा क्या है, हम बाजार क्यों नहीं, क्यों जाते हैं, हम बाजार क्यों जाते हैं, क्यों बजाए जाते हैं भाई, बताओ। सबका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, मेक इट। राम वो देता हूं ना, वर्बल वाला। क्या सीता आलू बेचती है, क्या सीता आलू बेचती है, बताओ, क्या सीता आलू बेचती है। तो ये सबका आपको ट्रांसलेट करना है। तो एक आध मैं बता देता हूँ, जैसे वह गाना गाता है तो इसका क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट प्लस ये सिंगुलर नंबर, पहले हम लोग देखो कभी भी कर रहे हैं पहले क्या देखना पड़ता है कि वेदर दिस इज द सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लुरल, अगर ये सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लुरल है ये देखना पड़ता है। तो क्या, कौन सा सेंटेंस है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, वह सिंगुलर है, प्लुरल नहीं है, तो ही मीन क्या होगा, सिंक्स। तो देखो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग ऐसे ही लगाना है, तो ही सिंक्स द सॉन्ग। तो ये बता दिया, और ये तो आपको करना पड़ेगा, ये कर लेना आप लोग। वह बाजार क्यों जाते हैं, तो पहले क्यों का पहले आगे कर दोगे, तो देखो ये आपको संडे पहचाने में रहती है कि वो नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तो पहला वाला क्या है, अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव, अभी क्यों जो है बीच में आया, क्यों, कहां, कब, कैसे। तो अगर ऐसा आएगा ना तो डब्ल्यू एच टाइप रहेगा, क्या रहेगा वो, डब्ल्यू एच टाइप। उसके बाद तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, तो ये भी डब्ल्यू एच टाइप हो गया। और क्या सीता, क्या पहले आ गया, क्या पहले आ गया, तो वो वर्बल हो गया। तो वर्बल नेगेटिव सेंटेंस अभी नहीं दिया, नेगेटिव दूं मैंने, नेगेटिव देता हूं यहाँ पे, ये वर्ब, ये क्या है, डब्ल्यू एच टाइप प्लस नॉट है, बट निगेटिव, प्योर निगेटिव जो है वो दे रहा हूँ, प्योर निगेटिव यहाँ पे यहाँ देता हूँ, चलेगा, ओके। सिक्स वाला जो है आपका, सिक्स वाला, हम काम नहीं करते हैं, तो ये सबका आपको क्रिएट बनाना पड़ेगा, ओके। तो आप लोग ये जिसको इसको आ गया बना के मुझे कमेंट में दे देना आप लोग, ओके। तो ये था आपका, हमारा आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि आपको बताया गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिसको भी हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं, रोज एक एक वीडियो अपलोड होगा आप लोग के लिए टेंस पूरा पढ़ाने के लिए। तो आज था प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आज देखो आज इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस था आज, तो ऐसे डीपली पढ़ाएंगे ना, ऐसे तुरंत बता के भाग जाना तो
तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने इसमें सभी टेंस के बारे में बताया। बट ये बात है कि मैंने सबके फॉर्मूले नहीं लिखवाए हैं, तो अगर बोलोगे तो यहाँ पे जैसे कि ये अपना नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखवाया हुआ और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखवाया हूँ। अभी किसका एक्चुअल बाकी है, डब्ल्यू एच टाइप का बाकी है, तो आप फॉर्मूला खुद से बना लोगे, बहुत ईजी फॉर्मूला बना लोगे। क्या करना है खाली आपको, देखो डब्ल्यू एच टाइप है ना, तो डब्ल्यू एच टाइप मतलब क्या, जैसे वह बाजार क्यों नहीं, वह बाजार क्यों जाता है, वह खाना कहाँ खाता है, तो देखो यहाँ पे जो कहाँ क्यों आ रहा है ना, वो उसको सबसे पहले कर दो। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखोगे, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, क्या पहले आएगा फॉर्मूले में, डब्ल्यू एच टाइप। ये मैं किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, डब्ल्यू एच टाइप प्लस नॉट का, किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, डब्ल्यू एच टाइप प्लस नॉट का, इतना बोर्ड तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू एच टाइप, सॉरी डब्ल्यू एच टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप का फॉर्मूला है क्या है, पहले क्या आएगा फॉर्मूले में, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड प्लस वाई ही ना प्लस सब्जेक्ट, वाई ही डज नॉट, ओके, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वाई ही प्ले क्रिकेट, एकदम इजी है। तो अगर जैसे यहां पर रख दिया गया वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, तो पहले डब्ल्यू एच टाइप क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट क्यों खेलता आया था ना, तो वाई हो गया, वाई, फिर वाई ही प्ले, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो वाई ही, तो सब्जेक्ट आ गया, तो वाई ही सब्जेक्ट भी हो गया प्लस मेन वर्ड, वाई ही प्ले, वाई ही प्ले आ गया, तो मेन वर्ड भी हो जाएगा प्ले, वाई ही प्ले, उसके बाद क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो वाई ही प्ले क्रिकेट, तो वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो डब्ल्यू एच टाइप का फॉर्मूला हो गया। तो ये कितना हो गया, अभी वर्बल बाकी है, तो वर्बल में क्या करना है, वर्बल में आपको खाली क्या कर देना है, आगे जो है आगे आपको केवल हेल्पिंग वर्ब रख देना है, डू या डज रख देना है, जैसे क्या वह पानी बेचता है, क्या वह H2O मीन्स वाटर सेल करता है, क्या वह पानी बेचता है। तो इसमें देखो अब इसका फॉर्मूला, वर्बल का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वर्बल का ओके ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लाइक करना बाद में भूल जाओगे, लाइक कर दीजिए वीडियो का और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को और नॉलेज बढ़े उन लोगों का। तो यहाँ पे वर्बल बोल रहा हूँ मैं, वर्बल, अभी वर्बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि सबसे पहले वर्बल कभी भी सुनते हो तो पहले ही कुछ चीजें आ जाती, क्या वह खाना खाता है, क्या वह बना जाता है ऐसा, तो क्या वह क्या मैं पानी बेचता हूँ, तो यहाँ पे क्या का क्या आएगा, क्या का डब्ल्यू, तो पहले लिख दोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले ये समझ लो कि वर्बल वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो क्या वह पानी, सॉरी मैं बोला था क्या मैं पानी बेचता हूँ, तो यहाँ पे आएगा डज आएगा कि डू आएगा, आई बी यू दे क्या है, ये सब प्लूरल नंबर है, तो इसमें आएगा डू आई, क्या आएगा डू आई, तो यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस सब्जेक्ट डू आई प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ईजी। अगर इसी का निगेटिव हो जाता ना तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे डू आई था ना, तो यहाँ पे हो जाता नॉट कर देते, यहाँ पे बीच में नॉट आ जाता, तो आप पहले वर्बल देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू आई, जैसे इसका मैंने समझा ना वाई ही प्ले क्रिकेट, तो ऐसे इसका देख लो क्या हो जाएगा डू आई डू क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, डू आई सेल द वाटर। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का विद द सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस मीन अफर्मेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यू एच टाइप एंड वर्बल, तो इतना आपको क्लियर हो। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ, आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझा होगा पूरा टेंस। तो अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं प्रेजेंट कांटिन्यूअस। देखो इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि इसमें रूल था, किसका रूल था, प्रेजेंट मतलब यस या यस के रूल थे इसमें, और प्लस हम लोग स्टार्टिंग से देखे ना, इसमें स्टार्टिंग से देखे मतलब क्या, स्टार्टिंग इसमें देखे, जैसे इसमें क्या क्या स्टार्टिंग देखे, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज देख ली थी। तो इसमें हम लोग पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था, मतलब कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, हाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था इसको, इसलिए ये थोड़ा आपका वास्ट चले गया। फॉर्मूला देखा हम लोग ने 4-5, तो ये 1 आवर्स का लेक्चर हो गया, नहीं तो ये जल्दी खत्म हो जाता।
तो और जो नेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता है, इट कैन बी। अब कहा नहीं जा सकता कितना लंबा चले जाए, हो सकता है उसमें। अभी आपका नेक्स्ट आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आ रहा है वो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, उसमें कुछ नहीं है, उसमें खाली जैसे इसमें देखो वह बाजार जाता है। और आप लोग ये इंड इस लेक्चर के एंड में आप लोग किसी से पूछना, मतलब पूछ सकते हो आप लोग कि इसमें क्या आपने सीखा कि क्यों हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में कितने टेंस होते हैं, सब टेंस, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तो है, बट उसके बाद जो सब टाइप है उसके वो हिंदी में केवल कितने होते हैं, हिंदी में केवल तीन तीन होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ऐसा तीन ही हुआ ना वर्तमान। लेकिन इंग्लिश में वो चार होते हैं और आपको अब आपको आपको उसका मीनिंग पता है, आपका उसको रीजन पता है कि क्यों इंग्लिश में चार होते हैं और हिंदी में तीन होते हैं, ये पहला। और दूसरा पॉइंट आज आपने क्या सीखा कि मतलब फैक्ट बता रहा हूँ जो सब पूछते हैं अक्सर, वो बता रहा हूँ। और आपने दूसरा क्या सीखा कि हाँ यस यस या यस के रूल आपने देखा कि कब यस लगाते हैं कब यस लगाते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तो सब तो हो गया है, तो ये आप सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर देना। और भी कुछ मैं दे देता हूँ जिससे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको ये तो पता ही है। हाँ तो ये मैं इरेज करके थोड़ा आपको और कुछ दे देता हूँ, या आप लोग इसका इसको लिख लिए होंगे, इरेज करता हूँ मैं। आपको कुछ और हिंदी ट्रांसलेट देता हूँ, आप लोग इसको बनाना। और अब देखो ये बात है आप लोग कि कैसे आप लोग पहचानोगे इंग्लिश में, अब जैसे हिंदी में आप तो पहचानोगे सेंटेंस है कौन सा, हिंदी में आप लोग सेंटेंस पहचान लोगे कि हिंदी में कौन सा सेंटेंस है, बट इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, आप इंग्लिश में भी पहचान लोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे टाइप ऑफ मतलब टाइप ऑफ टेंस, कौन से टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, क्वेश्चन कैसे आएगा, आइडेंटिफाई द टेंस, जो सब टेंस पढ़े रहोगे ना तभी बता पाओगे। तो अगर आ गया देखो ये कोड याद कर लो कि कभी भी मेन वर्ब में यस या यस आया ना, यस या यस आया या डू या डज नॉट आया, डू या डज आया तो समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोड याद कर लो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है भैया कि अपना क्या आ जाता है, यस या यस आ जाता है या फिर डू या डज आ जाता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट, क्या हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके क्लियर हो गया होगा। तो ना हम लोग मैं आपको और कुछ दे रहा था जिसको सॉल्व करने के लिए, यहां देख लो सॉल्व कर लो उसको क्या है। बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत बहुत डिफिकल्ट थोड़ा रहता है। वे जाते हैं मैं गाता हूं, तो आई बी यू का हो गया। अब लड़के, अब मैं दे रहा हूं लड़के, लड़के घर में कपड़ा धोते हैं, बाहर नहीं धोते हैं, लड़के घर में कपड़ा धोते हैं। मोहन कार चलाता है। ओके तो आप लोग ये पूरा देख लेना वीडियो, मतलब देख मतलब शेयर कर देना सभी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे स्टूडेंट के अलावा और किसी के पास अगर ये वीडियो पहुंचा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। और अच्छा तो आपको लगा ही होगा, तो अगर ये आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हो गया पूरा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जैसे इसमें ता है ती है था, उसमें क्या रहेगा रहा है रही है रहे हैं। ओके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको रहेगा रहा है रही है और रहे हैं, जैसे वह बाजार जाता है सॉरी वह बाजार जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम पबजी या फ्री फायर खेल रहे हैं। ओके तो किसको इसको फ्री फायर पसंद है, किसको इसको पबजी पसंद है, जिसको फ्री फायर पसंद है वो लोग भी कमेंट करो, जिसको पबजी पसंद है वो लोग भी, कौन कौन खेलता है बताओ मुझे कमेंट में, मैं भी जरा देखूं मेरे कौन कौन से स्टूडेंट फ्री फायर के दीवाने हैं और कौन कौन से। पबजी भी आने वाला है ना, अभी आया नहीं है। ओके
तो मैं भी थोड़ा, अभी तो मैं खेलता नहीं हूँ लेकिन देखूंगा अगर खेलने का मौका मिला तो। ओके, तो लाइक करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर तो कर दो यार तुम लोग। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर सभी को।